हैवानियत, जुल्म, शोषण, ये कितने सख्त शब्द हैं ना, लेकिन ये सब फीके पड़ जाएंगे जब हम आपको बताएंगे कि हरियाणा के गुरुग्राम में हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक मेड के साथ हैवानियत का ऐसा मामला सामने आया है। आरोप है कि नाबालिग मेड को पहले मालकिन ने रोड से पीटा, फिर उसके बेटों ने उसके कपड़े उतरवाए और बेड टच करते हुए उसे कुत्ते से कटवाया। इतने में भी उनका मन नहीं भरा तो परिवार वालों ने उसे बंधक भी बना लिया। हालांकि ये जानकारी सामने आने पर पीड़िता की मां ने पुलिस के साथ मिलकर शनिवार को उसे मुक्त कराया। इस संबंध में गुरुग्राम पुलिस ने केस दर्ज किया है। मामला गुरुग्राम के सेक्टर 57 की एक आवासीय सोसाइटी का है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता की मां ने अपनी शिकायत में बताया कि उसकी बेटी एक घर में झाड़ू पोछे का काम करती थी, जहां आए दिन उस घर की मालकिन उसे लोहे की रोड से पीटा करती थी। उनकी बेटी ने कई बार इस संबंध में शिकायत भी की, लेकिन इस बार तो आरोपी परिवार ने हद ही पार कर दी। उनकी बेटी के साथ महिला ने तो मारपीट की और उनके दोनों ही बेटों ने उसकी बेटी को निर्वस्त्र कर दिया और वीडियो बनाते हुए उसके साथ बेड टच किया। पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने उनकी बेटी को बंधक बना लिया और 48 घंटे में केवल एक बार उसे वो खाना देते थे। इस दौरान आरोपियों ने उसके मुंह पर टेप लगा दिया था ताकि वह शोर न मचा सके। सेक्टर 51 महिला थाना पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि लड़की के हाथों पर उसकी मालकिन तेजाब डालती थी, साथ ही इस घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की भी धमकी देती थी। लड़की की मां ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी को गाड़ी साफ करने वाले एक व्यक्ति के कहने पर आरोपियों के घर पर रखवाया था। उस समय यह तय हुआ था कि आरोपी उसे 9000 रुपये महीना देंगे। पीड़िता की मां का आरोप है कि 2 महीने तक वेतन मिला, लेकिन उसके बाद ना तो आरोपी वेतन दे रहे हैं और ना ही उसकी बेटी से उसे मिलने दे रहे हैं, यहां तक कि फोन पर भी उसे बात नहीं करने दे रहे। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की धारा 10 और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।